आर्क वेल्डिंग के उपकरण कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं? इससे सबसे पहला है ट्रांसफार्मर अथवा मोटर जनरेटर सेट या इंजन जनरेटर सेट। ट्रांसफार्मर एसी के लिए, मोटर जनरेटर सेट डीसी के लिए, आर्क वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड होल्डर, केबल एंड केबल कनेक्टर, केबल लग, ठीक है, हथौड़ा, तार ब्रूस, अर्थिंग, सुरक्षा टेप, सुरक्षा ऐनक, चेहरा आवरण, हस्त आवरण, दस्ताने, ठीक है, हाथी दस्ताने, एप्रेन, ठीक है, और क्या कहते हैं, लेग गार्ड, मतलब टांग की जो सहायता देता है। और इलेक्ट्रिकल सप्लाई में आर्क वेल्डिंग में एसी और डीसी दोनों प्रकार का ही किया जाता है, ठीक है। नहीं, एसी वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है जो जो 230 वोल्ट से 250 वोल्ट को न्यून वोल्ट 80 से 100 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और डीसी आर्क वेल्डिंग मोटर जनरेटर सेट अथवा क्या कहते हैं, ऑयल इंजन जनरेटर सेट की आवश्यकता होती है। और तीसरा, न्यून वोल्टेज में 60 से 80 वोल्ट पर डीसी धारा विद्युत उत्पन्न की जा सकती है, द्वारा इसे अप्लाई करते हैं। फिर आता है आवश्यक वोल्टेज व धारा, रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड एसी आर्क व डीसी आर्क उत्पन्न करने के लिए 80 से 100 वोल्ट की आवश्यकता होती है। और इस आर्क को कायम कर रखने के लिए केवल 30 से 40 वोल्ट की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कहते हैं डीसी आर्क वेल्डिंग में तथा में क्या कहते हैं, डीसी धारा आर्क उत्पन्न करने के 60 से 80 वोल्ट तक की आवश्यकता होती है। इस आर्क को कायम करने के लिए 15 से 25 वोल्ट तक की आवश्यकता होती है, परंतु कार्बन आर्क वेल्डिंग में इन वोल्टेज के मान को 20% अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कार्बन में क्या होती है, 20% अधिक। आर्क वेल्डर में केवल इलेक्ट्रोड वाली हस्तचालित यंत्रों का के लिए धारा का मान 50 से 300 एम्पीयर तक रहता है और स्वचालित मशीनों के लिए धारा का मान 100 से 600 एम्पीयर तक रहता है। यह मान वोल्टेज तथा लोड पर निर्भर करता है। अधिकतर आर्क वेल्डर में 150 से 300 एम्पीयर तक की धारा की आवश्यकता पड़ती है, परंतु यह बड़ी मशीन के लिए 400 से 600 एम्पीयर तक की धारा की आवश्यकता भी हो सकती है। पोलैरिटी, प्रत्यावर्ती धारा, वेल्डर में प्रत्यावर्ती धारा विद्युत की ध्रुवता स्थायी नहीं होती अपितु प्रत्येक चक्र में बदलती रहती है। प्रत्येक चक्र में इसका मान दो बार शून्य इसलिए दो बार शून्य होता है, तो प्रत्येक चक्र में इसका मान एक बार शून्य होता है, एक बार क्या होता है, एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव होता है। इसलिए इसमें डीसी की अपेक्षा वेल्डिंग के लिए अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, परंतु डीसी वेल्डिंग में विद्युत की ध्रुवीय स्थायी होने के कारण इसका इसका अधिक महत्व है, क्योंकि इसके धनात्मक ध्रुवता पर उसमें धनात्मक ध्रुवता डीसी विद्युत की ध्रुवता स्थायी होने के कारण अधिक महत्व है, क्योंकि धनात्मक ध्रुवता पर इसका उष्मा 2H/3 होती है तथा ऋणात्मक ध्रुवता पर H/3 होती है। इसी कारण ध्रुवता डीसी विद्युत आर्क के लगभग सभी धातुएं वेल्ड की जा सकती है। सभी धातु क्या की जा सकती है, वेल्ड की जा सकती है। इसके बाद विद्युत है ओके तांबे जैसी अन्य कई धातुओं को पिघलाने के लिए इलेक्ट्रोड की अपेक्षा अधिक उष्मा की आवश्यकता होती है। डीसी वेल्डर में यह ध्रुवता दो प्रकार के प्रयोग में लाई जाती है। पहली, इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक रखकर तथा कार्य वस्तु को धनात्मक रखकर इसे सरल ध्रुवता कहते हैं। द्वितीय, इलेक्ट्रोड को धनात्मक रखकर तथा कार्य वस्तु को ऋणात्मक रखकर इसे विपरीत ध्रुवता कहते हैं। इन दोनों ध्रुवताओं को क्रमशः ऋण इलेक्ट्रोड तथा धन इलेक्ट्रोड का नाम दिया जाता है। वेल्डन टेम्परेचर, आर्क वेल्डन का उच्चतम तापमान 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक ऊर्जा उत्पन्न करती है। वेल्डिंग डिफेक्ट, साधारणतः वेल्डन निम्नलिखित दोष में पाए जाते हैं, जैसे क्रैक्स आ जाना, क्रेट गड्ढे बन जाना, अंडर कटिंग हो जाना, ठीक है, अपर्याप्त वेगन होना, गलत कोर बन जाना और नॉन यूनिफॉर्म होना, ठीक है, स्लैग धातु मल आ जाना, खराब जोड़ होना, ठीक है, और आर्क ब्लो वेल्ड होना। इनके एप्लीकेशन कहाँ है, आर्क वेल्डिंग का प्रयोग इस्पात की मोटी चादरों, डाई और ढांचों आदि का निर्माण की मरम्मत में किया जाता है। ताम्र, एल्यूमिनियम आदि अलोह धातुओं की कार्य वस्तुओं में स्टेनलेस स्टील, कांस्य आदि जंग रोधी मिश्र धातुओं का कार्य खंडों को जोड़ने में करते हैं, ठीक है। आर्क वेल्डिंग के कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की और आर्क वेल्डिंग है जिन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन आर्क वेल्डिंग। इसमें कार्बन का एक इलेक्ट्रोड होता है तथा केवल डीसी विद्युत का ही उपयोग करना उचित समझा जाता है, क्योंकि 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 एसी कहते हैं एसी विद्युत धारा फिक्स पोलैरिटी नहीं होती है। वेल्डिंग करते समय वस्तु को धनात्मक तथा कार्बन इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक सिरे से संयोजित किया जाता है ताकि कार्बन इलेक्ट्रोड पर कम ऊष्मा उत्पन्न हो और कार्बन वस्तुओं पर गिरकर जोड़ को भंगुर से दूषित ना बनाए। इलेक्ट्रोड होल्डर में एक लोह क्रोड
एक लॉक रोड कॉइल लगी होती है जो आर्क को सही दिशा में भेजता है, आवश्यक स्थान पर एकाग्र करता है। एक प्रक्रम हाथ तथा यंत्र दोनों में से किसी भी एक से कार्यान्वित किया जा सकता है। इस प्रक्रम में फ्लक्स का उपयोग करना उचित समझा जाता है। इस विधि का प्रयोग इस्पात की चादरों को वेल्ड करने, इस्पात की ढलाई को मरम्मत करने तथा ताम्र कांस्य एल्युमिनियम आदि को वेल्ड करने में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेटल आर्क वेल्डिंग। इसमें धातु का एक इलेक्ट्रोड होता है और इसमें एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत समान सर को उपयोग में लाई जाती है। वेल्डिंग करते समय विद्युत स्रोत का एक सिरा वस्तु से तो दूसरा सिरा इलेक्ट्रोड से संयोजित किया जाता है। इसमें कोटेड तथा अलेपित दोनों प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग कार्य वस्तु के पदार्थ के अनुसार होता है। लेपित इलेक्ट्रोड की बाहरी सतह पर गालक का लेप चढ़ा होता है, परंतु अलेपित इलेक्ट्रोड की बाहरी सतह पर ऑक्सीकरण होने का भय रहता है, इसलिए अधिक देखभाल रखनी पड़ती है। अब देखते हैं अपक्रिय गैस कहाँ थे। अपक्रिय गैस वेल्ड आर्क वेल्डिंग, इसमें टंगस्टन का नॉन कोटेड एक इलेक्ट्रोड, अक्रियशील गैस हीलियम आर्गन का उपयोग होता है। इस विधि में इस प्रकार की विद्युत में एसी और डीसी का उपयोग किया जाता है। इसमें ऊष्मा का स्रोत एक विद्युत आर्क होता है जो इलेक्ट्रोड तथा कार्य वस्तु के बीच उत्पन्न होता है। इस टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को एक नोजल शेप्ड के क्षेत्र में रखा जाता है जिसमें ये से हीलियम तथा आर्गन जैसी गैसें अक्रिय गैस निकलती हैं जो आर्क को ढक लेती हैं। परंतु वायुमंडल अवयवों का प्रभाव पिघली हुई धातु पर नहीं पड़ता है। आर्क अपनी ऊष्मा से वस्तु की धातु को पिघलाता है और आवश्यकता पूर्वक पदार्थ तक इलेक्ट्रोड से प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस विधि में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोड प्राय सतत तार के गुच्छे के आकार के होते हैं, इसलिए इन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि में प्रयोग जाने वाले इलेक्ट्रोड प्राय सतत तार गुच्छे की आवश्यकता होते हैं, तब बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार समय की बचत तथा वेल्डिंग में सुविधा हो जाती है। इस प्रक्रम में प्रयोग मिश्र धातु, अलोह धातु जैसे ताम्र, कांस्य एल्युमिनियम, जंगरोधी धातु जैसे स्टील आदि के वेल्डन में इसका प्रयोग में लाया जाता है। परमाणु हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग, इसमें क्या होता है, इस विधि में टंगस्टन के दो इलेक्ट्रोड के बीच एसी आर्क उत्पन्न की जाती है और साथ साथ 0.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर सिलेंडर से प्राप्त हाइड्रोजन गैस झोंकी जाती है। इससे अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है, फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस के अणु परमाणु में विघटित हो जाते हैं जिसे परमाणु हाइड्रोजन कहते हैं। यह परमाणु हाइड्रोजन आर्क से अत्यधिक ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं, इसे ये आर्क से बाहर निकलने पर वापस छोड़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की आर्क के बाहर निकलने या पश्चात पुनः अणु के रूप से संगठित होने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार परमाणु हाइड्रोजन की छोड़ी की ऊष्मा तथा आर्क की ऊष्मा दोनों मिलकर 4000 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर ऊष्मा का उत्पादन होता है जो वेल्डन का काम आती है। इस प्रकार यह प्रक्रम गैस वेल्डन तथा आर्क वेल्डन का संयोग है, क्योंकि इसमें हम क्या कहते हैं एसी आर्क का प्रयोग डायरेक्ट वेल्डन नाव का हाइड्रोजन गैस के विघटन के लिए होता है। इस प्रक्रम में एसी तथा डीसी दोनों में से कोई भी विद्युत प्रयोग में लाई जा सकती है।
ठीक है।